Redmi Note 4 के Pixel Extended के इस लेटेस्ट अपडेट में काफ़ी कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। हार्डवेयर की कस्टमाइजेशन भी ऐड कर दिया गया है यहाँ पे, और भी काफ़ी कुछ है जो कि यहाँ पे ऐड हुआ है। और साथ साथ आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ बिल्कुल डिटेल्स में कि कौन कौन से फीचर्स हैं जो कि आपको यहाँ पे न्यू देखने को मिलते हैं, क्या कुछ चेंजेस हुए हैं उसके बारे में भी मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, और अगर आप नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर दें ताकि जब भी मैं अगली वीडियो अपलोड करूं आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाए। सबसे पहले चलते हैं हम यहाँ पे अबाउट फोन में। तो अबाउट फोन में हमारा एंड्रॉइड वर्जन 11 है और एक्सटेंडेड वर्जन 2.4 आपको देखने को मिलेगा इस बार। और सिक्योरिटी पैच 5 फरवरी 2021 का बिल्कुल लेटेस्ट आपको मिल जाता है। और हमारा कर्नल यहाँ पे 4.9 बेस जो कि जेड लॉस का मिल जाता है, और बिल्ड हमें मिल जाता है 6 फरवरी 2021 का। और अगर हम यहाँ पे बात करते हैं स्टेटस बार के बारे में, तो यहाँ पे आप देखोगे तो QS जो कि टिंट कलर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, स्टाइल जो है बिल्कुल ही चेंज है स्टेटस बार का। और साथ साथ आपका ब्राइटनेस का जो आइकन है वो भी चेंज देखने को मिलेगा, और साथ साथ यहाँ पे आपका ब्राइटनेस स्लाइडर भी चेंज है पहले से। और यहाँ पे टॉगल्स की बात करें तो टॉगल्स में आपको कंपास का जो है न्यू यहाँ पे टॉगल देखने को मिलेगा, बाकी सारे टॉगल्स आपके पहले वाले ही हैं। और 3 डॉट पे हमें रीसेट का ऑप्शन मिलता है बिल्कुल पहले की तरह। और अगर हम यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डर की बात करें तो यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डर में हमें लैग मिलता है या नहीं मिलता वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो हल्का लैग जो है आपको यहाँ पे मिल जाता है, हालांकि गेम रिकॉर्ड करोगे तो काफ़ी ज़्यादा ही होगा। और वॉल्यूम पैनल कुछ इस तरीके से मिल जाता है, हालांकि आप जो है वॉल्यूम स्टाइल इस पर मिलता है तो आप वॉल्यूम स्टाइल चेंज कर पाओगे। और पावर मेन्यू भी पहले की तरह है, डिवाइस कंट्रोल मिल जाता है, इमरजेंसी पावर ऑफ एंड रिस्टार्ट पे आपको एडवांस रिस्टार्ट भी मिल जाता है यहाँ पे, जो कि सेटिंग से आपको इनेबल करना पड़ेगा। एंड नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करते हैं इसके लॉन्चर के बारे में, तो लॉन्चर आपको यहाँ पे पिक्सल का ही देखने को मिलेगा पहले की तरह, क्योंकि जी एप्स इंक्लूडेड रहता है यहाँ पे इसमें, तो आपको यहाँ पे पिक्सल लॉन्चर मिल जाता है। और यहाँ पे हमारा प्ले स्टोर है बिल्कुल सर्टिफाइड मिल जाता है, तो सेफ्टी नेट पास मिलता है, तो बैंकिंग ऐप यूज़ करने में आपको दिक्कत नहीं होगी, आराम से आप यूज़ कर पाओगे। और यहाँ पे हमारा जो कैमरा है बिल्कुल नॉर्मल ही मिलता है। और साथ साथ यहाँ पे एक चीज़ और कैमरे से रिलेटेड जो कि फिक्स हुआ है आपका जी कैम जो है काफ़ी सारे इंस्टॉल नहीं होते थे, सिर्फ यहाँ पे TR कैमरा इंस्टॉल होता था, तो यहाँ पे अब आप जो है जी कैम आराम से कोई सा भी इंस्टॉल कर पाओगे बिल्कुल आराम से, आपको दिक्कत यहाँ पे नहीं होगा। और ये बिल्कुल इसी तरीके से काम भी कर रहा है। और इस जी कैम की वीडियो भी आपको आई बटन डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी। और यहाँ पे FM हमारा काम कर रहा है, बाकी सारे एप्लीकेशन तो गूगल के ज़्यादातर मिल ही जाते हैं। कॉलिंग की बात करें तो वॉल्टी हमारी यहाँ पे काम कर रही, लेकिन वीडियो कॉलिंग में थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम देखने को मिली, कॉल करते ही जो है कुछ सेकंड के बाद कट जा रहा थी, एक प्रॉब्लम देखने को मिली है वीडियो कॉलिंग में। बाकी ब्लूटूथ ऑडियो आपका यहाँ पे बिल्कुल फिक्स मिल जाता है, उसमें मुझे कोई भी दिक्कत देखने को यहाँ पे नहीं मिली है। और अगर हम यहाँ पे बात करते हैं रीसेंट की, तो रीसेंट आपका पहले की तरह है जैसा कि पिछले अपडेट में था। तो यहाँ पे जैसे कि नीचे आपको सेलेक्ट का ऑप्शन मिल जाता है और स्क्रीनशॉट का सेलेक्ट वाला काम कर रहा है, और स्क्रीनशॉट भी जो है बिल्कुल वर्किंग मिल जाता है। स्क्रीनशॉट में आपको यहाँ पे डिलीट तक ऑप्शन मिल जाएगा जैसे कि आप देख सकते हैं, और साइड में एक क्लियर ऑल का ऑप्शन हमें मिल जाता है। सेटिंग्स की बात करें तो डेन जो कि पिक्सल डेन के अंदर आपका सिस्टम के अंदर यहाँ पे फिलहाल कोई भी चेंजेस नहीं मिलती है, लेकिन अगर हम चलते हैं यहाँ पे लॉक स्क्रीन में तो यहाँ पे भी चेंजेस नहीं हुआ, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कि आपके हेयर फेयर यहाँ पे हुई हैं, जो कि FOD कस्टमाइजेशन के अंदर आप सारी सेटिंग्स देखने को मिलेगी जो कि पहले बाहर थी। हालांकि ये हमारे लिए है नहीं, कि जिनका इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट है उनके लिए है, फिर भी हमें दिया गया है यहाँ पे। एंड स्टेटस बार के अंदर आपका वोल्टी वाला सेक्शन जो है पहले की तरह है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं मिलता। लेकिन अगर आप यहाँ पे ये देखोगे तो बैटरी आइकन वाला जो सेक्शन है ये न्यू ऐड किया गया, जिसमें बैटरी स्टाइल है, बैटरी परसेंटेज है, और यहाँ पे QS बैटरी परसेंटेज मिल जाता है। और साथ साथ यहाँ पे आपका क्लॉक कस्टमाइजेशन भी दिया गया है, जो कि इस अपडेट में ही यहाँ पे ऐड किया गया था। आप क्लॉक कस्टमाइज भी आप यहाँ पे कर पाओगे, जो कि पहले हमें देखने को नहीं मिलता था। और नीचे हमारा डबल टैप जो कि स्टेटस बार के लिए मिल जाता था ये पहले था, और यहाँ पे वाइब्रेट ऑन टच जो कि दिया गया है तो ये पहले था। बाकी नीचे के सारे ऑप्शन लेटेस्ट हैं, जैसे कि आप देख सकते हो टिंट QS यही है, जिसकी वजह से यहाँ पे आपका ये चेंज हुआ पड़ा था। अब इसे ऑफ कर दोगे तो पहले की तरह हो जाएगा। और यहाँ पे कॉलम्स एंड रो सेटिंग्स भी इस बार आपको ऐड देखने को मिल जाएगी। तो ये हैं जो कि आपको यहाँ पे न्यू देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे हमारे हार्डवेयर के अंदर आपको कोई भी चेंजेस नहीं मिलता जैसा पहले था पिछले अपडेट में। वॉल्यूम पैनल स्टाइल भी पहले था, तो ये उसी तरीके से आपको यहाँ पे मिल जाता है। और अब हम यहाँ पे चलते हैं अपने कनेक्टेड डिवाइस के अंदर, तो यहाँ पे आपको कास्ट मिलता है बिल्कुल वर्किंग है। और बैटरी की अगर हम यहाँ पे बात करें तो बैटरी के अंदर अभी फिलहाल यहाँ पे टर्न ऑन द लाइट व्हेन चार्जिंग मिल जाता है, और यहाँ पे बैटरी परसेंटेज वाला ऑप्शन अब हमारे काम का नहीं है फिलहाल, क्योंकि इस कस्टमाइजेशन के अंदर बैटरी परसेंटेज वाला ऑप्शन दे दिया गया था। आप इसे ऑन ऑफ करो, ये जो है काम नहीं करेगा, तो मे बी जो है आगे के अपडेट में इसे रिमूव कर दिया जाएगा।
बाकी बैटरी की बात करें तो यहाँ पे 2 आवर 44 मिनट टोटल मैं यूज़ किया हूँ, जिसमें से 2 आवर फुल ब्राइटनेस पे वीडियो प्ले किया हूँ, 44 मिनट नॉर्मल यूज़ किया हूँ, तो 62% बैटरी हमें यहाँ पे देखने को मिली है। और अगर यहाँ पे मैं बात करता हूँ डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले के अंदर हमारा यहाँ पे डार्क थीम में कुछ इश्यूज थे पिछले अपडेट में, जिसको यहाँ पे फिक्स कर दिया गया था, अभी फिलहाल इसमें प्रॉब्लम आपको नहीं मिलेगी। और यहाँ पे हमारा नाइट लाइट एंड ऑटो ब्राइटनेस बिल्कुल अच्छे तरीके से काम कर रहा है, और स्टाइल एंड वॉलपेपर्स के अंदर आपको पहले की तरह ही मिलता है सारी चीज़ें और वर्किंग है, तो इसमें आपको कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलती, ये बिल्कुल आपका पहले की तरह ही देखने को मिलेगा। ऑटो रोटेशन हमारा काम कर रहा है, और यहाँ पे लॉक स्क्रीन के अंदर आपको यहाँ पे बैक स्क्रीन फोन नोटिफिकेशन मिल जाता है, और बाकी सारी सेटिंग्स पहले वाली है। डबल टैप टू बैक काम कर, और यहाँ से आप ब्लर जो है इनेबल एंड डिसेबल कर पाओगे। और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन न्यू देखने को मिलेगा, हाई टच सेंसिटिविटी, जो कि आपको ये देखने को मिलेगा न्यू, एंड थीमिंग वाले सारे ऑप्शंस आपको पहले वाले ही देखने को मिलेंगे। एंड अगर हम यहाँ पे बैक करते हैं, चलते हैं साउंड के अंदर, तो साउंड के अंदर आपको कोई भी चेंजेस नहीं मिलता है, जैसा पहले था पिछले अपडेट में उसी तरीके से आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाता है। और अगर हम यहाँ पे बात करते हैं सिक्योरिटी की, तो सिक्योरिटी के अंदर हमारा यहाँ पे फिंगरप्रिंट मिल जाता है और फेस अनलॉक मिल जाता है। और फिंगरप्रिंट की अगर हम यहाँ पे बात करें, तो फिंगरप्रिंट बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे काम करे, तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। और पैटर्न की अगर हम बात करें, तो पैटर्न आपका साइज नॉर्मल ही है, उसमें कोई कस्टमाइजेशन हमें नहीं मिलती है। और यहाँ पे आप देख सकते हो फेस अनलॉक भी बिल्कुल अच्छे तरीके से काम कर रहा है, तो सिक्योरिटी आपकी जैसी पहले थी उसी तरीके से आपको यहाँ पे मिल जाती है। और स्क्रीन लॉक सेटिंग्स आपकी ये कुछ इस तरीके से मिल जाती है, और यहाँ पे आपका डिजिटल वेलबिंग का सपोर्ट तो देखने को मिल ही जाएगा, तो यहाँ पे ये जो है हमें देखने को मिल जाता है। और अगर हम यहाँ पे बैक करते हैं और चलते हैं सिस्टम के अंदर, तो सिस्टम के अंदर हमारा यहाँ पे बटन का ऑप्शन है, जो कि न्यू देखने को आपको मिलने वाला है, जिसके अंदर आपको यहाँ पे मिल जाता है इनेबल ऑन स्क्रीन नेविगेशन बार, ये आपको मिल जाता है। और यहाँ पे हार्डवेयर टर्न लाइट जो कि हमारी काम करे, तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, तो आप देख सकते हो ये जो है काम करे बिल्कुल इसी तरीके से। और अगर आप इसे इनेबल करते हो, तो ये जो है आपकी हार्डवेयर बटन जो है काम नहीं करेगा। और यहाँ पे फुल स्क्रीन जेस्चर अब हमारा यहाँ पे बिल्कुल इसी तरीके से काम करे, और ये सिस्टम नेविगेशन वाला जो ऑप्शन है, ये भी आपका ऑन स्क्रीन नेविगेशन बार आप इनेबल करोगे तभी शो करता है। और यहाँ पे भी आपका जो है जेस्चर बार लेंथ जो है न्यू ऐड किया गया है सेंसिटिविटी में, बाकी सारे ऑप्शंस आपको पहले की तरह मिलते हैं। एंड यहाँ पे हमारा जो नेविगेशन बटन है, ये भी बिल्कुल इसी तरीके से काम करने लग गया है यहाँ पे, और साथ साथ होम बटन पे आपको पिक्सल एनिमेशन भी मिल जाता है। तो ये आपका बिल्कुल इसी तरीके से अभी फिलहाल काम करने लग गया है, यहाँ पे फुल स्क्रीन जेस्चर यूज़ करो या फिर नेविगेशन बटन यूज़ करो। एंड बाहर हमारा जो है स्वाइप टू स्क्रीनशॉट मिल जाता है, पावर मेन्यू एंड अडैप्टिव प्लेबैक मिल जाता है, और बाकी सारी सेटिंग्स तो आपको बिल्कुल पहले की तरह ही मिलती है। तो यहाँ पे फिलहाल और कुछ चेंजेस नहीं है, बस आपका बटन ऐड किया गया, बाकी जेस्चर काम करने लग गया है। एंड अगर हम बात करते हैं टूटू बेंचमार्क स्कोर की, तो यहाँ पे हमें मिल जाता है टूटू बेंचमार्क स्कोर 1,709 का स्कोर मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा स्कोर आपको देखने को यहाँ पे मिल जाता है। और यहाँ पे अगर हम बात करें एक चीज़ और, जो कि लॉक स्क्रीन में आप देखोगे, तो यहाँ पे शॉर्टकट भी ऐड कर दिया गया है, जो कि पिछले बार हमें जो है बिल्कुल यहाँ पे खाली देखने को मिलता था, कुछ भी नहीं था, लेकिन अभी शॉर्टकट यहाँ पे ऐड कर दिया गया, हालांकि अभी इसकी कस्टमाइजेशन नहीं है, लेकिन ये ऐड कर दिया गया है। और अगर हम यहाँ पे बात करें गेम की, तो इस बार मैं जो है यहाँ पे COD खेलने वाला हूँ, पबजी का कुछ इशू हो गया था, नेटवर्क इशू मेरे में, तो इसलिए मैं यहाँ पे इसे जो है यहाँ पे खेल रहा हूँ, आगे देखते हैं। एंड यहाँ पे इसकी ग्राफिक की अगर हम यहाँ पे बात करें, तो ग्राफिक जो है यहाँ पे हमें कितना मिलता है, तो यहाँ पे जो है लो मिल जाता है और मीडियम मिल जाता है। लो पे हमारा हाई है फ्रेम रेट, और यहाँ पे मीडियम पे भी आपका जो है हाई फ्रेम रेट तक ही मिलता है, तो हम यहाँ पे जो है लो एंड हाई फ्रेम रेट पे खेलेंगे। और यहाँ पे अगर हम बात करें इसकी परफॉर्मेंस के बारे में, फिलहाल COD की यहाँ पे परफॉर्मेंस के बारे में, तो हल्का लैग आपको इसमें भी देखने को मिल जाता है, हालांकि पबजी अगर खेलोगे तो पबजी में आपको ज़्यादा ही देखने को मिलेगा। तो जैसे कि मैं आपको बताया था कि अगर आपको नॉर्मल यूज़ करना है, एक अच्छा नॉर्मल बैटरी बैकअप चाहिए और एक नॉर्मल यूजर्स के लिए चाहिए, हल्का फुल्का अगर आप गेम खेलते हो, तो आपके लिए बेस्ट है। जैसे कि पिछली बार मैं आपको बता रखा हूँ पिक्सल और पिक्सल एक्सटेंडेड, इन सब चीज़ों के लिए काफ़ी बेस्ट है। और अगर आप गेमिंग करते हो, तो गेमिंग में आपको उतनी बेटर परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा, इसलिए अगर आप गेमिंग करते हो तो आप दूसरी डोम पे जाओ, क्योंकि आपको इन पे लैग देखने को मिल सकता है, इसलिए आपको प्रॉब्लम होगी। इससे अच्छा आप जो है दूसरी डोम, जो गेमिंग आप अच्छी तरीके से कर पाओ उस पे, तो आप वो यूज़ कर लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पे अगर आप नॉर्मल यूज़ करते हो डेली लाइफ यूज़ के लिए, तो काफ़ी अच्छा है। और अभी तो फिलहाल अपडेट के साथ काफ़ी और ज़्यादा बेटर यहाँ पे हो गया है परफॉर्मेंस, हालाँकि आपको पहले से बेटर ही मिलती है, यहाँ पे डाउन नहीं है, पहले से बेटर ही है। और यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें जो कि ऐड भी की गई हैं, तो सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पे आपको बिल्कुल डिटेल्स में बता दिया हूँ, तो अभी फिलहाल आपके अंदर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और अगर आपको कोई डाउट है, तो आप कमेंट में आराम से पूछ सकते हो। बाकी आपको कैसा मैं वीडियो बना के दिया हूँ, आप लोग जो है कमेंट में भी बता दिया करो, क्योंकि यहाँ पर जो है सारी चीज़ें चेक करके मैं आपको बताया हूँ किस तरीके जो है कौन कौन से फीचर ऐड हुए हैं और कौन कौन से यहाँ पे चीज़ें जो है आपकी चेंज हुई हैं पिछले अपडेट के मुकाबले, सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल्स में बता देता हूँ। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो सब्सक्राइब भी कर लें और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर दीजिए, ताकि जब भी मैं अगली वीडियो अपलोड करूँ आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।